हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पे है। तो 24 तारीख को जो मंथली टेस्ट हुई थी, 24 अक्टूबर को, तो उसी का ये क्वेश्चन है। उसी को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। जो भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे, एक सब्सक्राइबर ने ही दिया था, स्वाति नाम है उनका, और उनका लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने ये क्वेश्चन भेजा। और हम ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो उन्हें पता चल पाए इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि इसमें फ़ी लग रही थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो इस एग्ज़ाम को नहीं भर पाए थे। तो और आगे 30 तारीख को स्वावलंबन का भी एग्ज़ाम है, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखें, क्वेश्चन को देखें, किस तरह के वर्ड लिए गए हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड्स दैट कांट फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि ये जो वर्ड है डिटर्मिनेंट्स, तो इनमें से कौन सा वर्ड है चार ऑप्शन में जो नहीं बन सकता है। तो मैटर, डिस्टेंस, माइंडसेट, इंटर्ड, इनमें से कौन सा वर्ड है जो इनमें से नहीं बन सकता है। तो इसमें डिस्टेंस जो है बी ऑप्शन, ये नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स में सी कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सी का यूज़ किया गया है। बाकी मैटर भी बन जाएगा, यहाँ देखिए एम है, ए है, दो बार टी भी यूज़ किया गया है, उसके बाद ई है, आर भी है, माइंडसेट में भी एम है, आई है, एन है, डी भी है, और एस है यहाँ पे, फिर ई टी है, से माइंडसेट भी है, और इंटर्ड, इंटर्ड भी है, बन जाएगा इंटर्ड वर्ड ई एन टी ई आर ई डी, है ना, इंटर्ड, ये भी वर्ड बन जाएगा। तो आपका एक ही वर्ड है जो नहीं बन सकता, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो ये इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन है कि इसमें इनमें से कौन सा पार्ट है सेंटेंस का जहाँ पे कोई एरर है या फिर नहीं है। तो दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स आर रैदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय दीज, ये ठीक है, ये होता है इसका मतलब, यानी प्लूरल के लिए होता है, प्लूरल वर्ड्स के लिए, काइंड्स ऑफ शर्ट्स, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो आर है ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंसिव्स है, एस जो लग गया है, ये गलत है, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसिव होना चाहिए। तो हमारा पार्ट थ्री जो है, मतलब कि ऑप्शन सी, ये हमारा सही आंसर होगा, यानी कि एरर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज रिपब्लिकन स्टेट। इस क्वेश्चन में फ्रेंड थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आंसर की भी देखा हुआ है, ये जिस स्टूडेंट ने भेजा था मुझे, तो उन्होंने आंसर की भी भेजा था, तो आई थिंक कि ये जो आंसर की में जो आंसर था ना वो रॉन्ग है, पर और उसका मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी कैसे रॉन्ग है। तो चलिए देखिए, इसमें पूछा गया है कि महाजनपद इनमें से कौन सा है जो कि रिपब्लिकन स्टेट था। यहाँ पे देखिए कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है, और आगे भी मिस्टेक्स हैं क्वेश्चंस में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो टोटल कितने महाजनपद्स थे, तो टोटल 16 महाजनपद्स हुआ करते थे हमारे इंडिया में, जिनमें से कुछ मोनार्कियल स्टेट्स थे, यानी कि जहाँ पे राजा रानी का शासन होता था और फिर उनके वंश शासन करते थे, और एक होता था रिपब्लिकन, यानी जिस तरह से मतलब कि इनका हेड जो होता था वो चुना जाता था लोगों के द्वारा। तो इस तरह का बहुत सारा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है वज्जी। वज्जी काफ़ी फेमस है रिपब्लिकन स्टेट के लिए, लेकिन ऑप्शन में वत्स दिया हुआ था, तो ये मुझे अगर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रॉन्ग था आंसर की में, बट आई डोंट नो, कन्फर्म तो मैं हूँ लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिन्होंने ऑब्जेक्ट अगर किया होगा किसी ने, तो उन्हें उनका आंसर मिल गया होगा। मोनार्कियल स्टेट्स में कौन कौन से राज्य आते थे, जैसे कि अंग आते थे, अवंती, चेदी, काशी, कुशाल, गांधार, मगध, मत्स्य, सूरसेन,
वत्स ये सब जो थे, वत्स ये सब मोनार्कियल स्टेट्स में आते थे, और रिपब्लिकन स्टेट्स में कौन कौन से आते थे, कंबोज हुए, कुरु, कोलियाज, मल्ला, वज्जी, पांचाल, लिच्छवी, ये सब जो थे ये सब रिपब्लिकन स्टेट्स थे। तो ये इसमें वज्जी जो है यही है रिपब्लिकन स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड। फ्रेंड्स इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, हिस्ट्री का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एसएससी के काफ़ी सीएचएसएल, सीजीएल ये सब जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब में भी महाजनपद से क्वेश्चन हर बार मैंने देखा है कि आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि ये जो थे टोटल 16 महाजनपद कब थे और इनका प्रेजेंट नेम क्या है, वहाँ पे शासन किनका था, और भी जो भी इनसे रिलेटेड बातें इंपॉर्टेंट बातें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड डैट कांट फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है कि सोफिस्टिकेटेड ये वर्ड है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इनसे नहीं बन सकता है। ट्विस्टिया, कैटिडॉफ, सिस्टेप, पिस्टॉक या सभी बन सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो एक बार में ही आपको आंसर आपको मिल जाएगा। सोफिस्टिकेटेड में सिंगल टाइम यानी एक ही बार टी का यूज़ किया गया है, लेकिन यह टोस्टिया में आप देखिए कि दो बार टी आ गया है। तो आपको ये ऑप्शन बिना आगे का ऑप्शन देखे ही आपको ऑप्शन ए में ही आपको आपका आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टर्म सिल्वर इकोनॉमी विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवेन ऑप्शन। ये जो टर्म है सिल्वर इकोनॉमी, ये इनमें से किस फील्ड से रिलेटेड है यही आपको बताना है। तो सिल्वर इकोनॉमी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, यानी इसमें अगर ऑप्शन कहीं पे ट्रेडिंग दिया हुआ रहता, व्यापार वगैरह, तो वो भी ऑप्शन चल जाता है। लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर, सिल्वर मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब दी गई है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द ऑप्शन होगा। सिल्वर इकोनॉमी होता क्या है? तो सिल्वर इकोनॉमी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रणाली है जिसका उद्देश्य वृद्ध और वृद्ध लोगों की क्रय क्षमता का उपयोग करना है, यानी कि खरीदने की क्षमता और उनकी खपत, जीवन और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करना है। तो ये सिल्वर इकोनॉमी यही कहलाता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टाइप का टर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ अ वर्ड विच बेस्ट फील्स बोथ गैप्स ऑफ गिवन सेंटेंसेज एंड कुड मेक बोथ ऑफ देम अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं और फिल द ब्लैंक्स है, और आपको बताना है कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा जो दोनों जगह पे सटीक बैठेगा। स्टैंड, बेयर, सपोर्ट, ओपिनियन, पोजिशन, पोजिशन, ओपिनियन, सपोर्ट, बेयर और स्टैंड। तो इनमें से क्या हो सकता है? आई कैन नॉट स्टैंड सच अ लाउड नॉइज एनी मोर, रेफर राम प्रेफर टू कंसिडर द अदर स्टैंड। इस क्वेश्चन में भी आप काफ़ी लकी हैं, और जिन जो समझ पाए होंगे बिना टाइम का वेस्ट किए वे ऑप्शन ए को, ए में ही आपका आंसर है। तो जिन्होंने भी टिक किया होगा तो उनका आंसर सही हो गया। आई कैन नॉट स्टैंड सच अ लाउड नॉइज एनी मोर, मतलब कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती इतना ज़ोर का हंगामा। राम प्रेफर टू कंसीडर द अदर स्टैंड, यानी राम ने पसंद किया कोई दूसरा स्टैंड लेना। बोलते हैं ना हम स्टैंड लेंगे उसके खिलाफ, कुछ इस टाइप से वही है। द एवरेज, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन। ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है कि फाइव क्वान्टिटीज़ हैं और उसका एवरेज है 35, तो जिनमें से थ्री का दिया हुआ है कि एवरेज है कितना, 19। तो आपका बाकी जो बचा हुआ दो क्वांटिटीज़ है उसका क्या होगा? तो इसमें आपको बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था और इसे फिर माइनस करना था। तो कितना आएगा आंसर हमें माइनस करने पे, 118। और फिर 118 को हम जब उस टू क्वांटिटी से यानी टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 59। तो यही हमारा अगर ऑप्शन में है तो वो आंसर है हमारा, नहीं तो नन ऑफ द होगा। तो 59 नहीं है, डैट मीन्स कि इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द लास्ट लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय अरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स। ये जो जंबल वर्ड है इसे सबसे पहले तो हमें
अनजम्बल करना है, यानी कि इन्हें ये जो उलझा हुआ है इसे सुलझाना है, और फिर बताना है कि उस सुलझे हुए वर्ड का लास्ट में कौन सा लेटर आएगा। तो ये जो वर्ड है पहले वो बताना है कि क्या बनेगा। तो इससे एक वर्ड बन रहा है, बिना को टाइम वेस्ट करते हो मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ। इसे ये जो वर्ड है ये वर्ड बन रहा है, इस वर्ड को बोलते हैं बुर्जवा। इसे बोर्ग्योज नहीं पढ़ेंगे, इसे बुर्जवा पढ़ा जाता है, यही इसका सही प्रोनंसिएशन है, बुर्जवा। और इसका मतलब होता है कैपिटलिस्ट, यानी कोई पूंजीपति जो होते हैं उन्हें कहा जाता है बुर्जवा। तो इसका लास्ट में आप देख रहे हैं कौन सा लेटर है, एस। तो यही आपका सही आंसर है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हुआ, एस। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स किस तरह के वर्ड्स पूछे जा रहे हैं, कितना ज़्यादा आपका इंग्लिश का वर्ड स्टॉक का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश के वर्ड को जानना ज़रूरी है और उसके मतलब को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड विच इज़ नॉट सिमिलर टू द फॉलोइंग वर्ड। ये भी इंग्लिश का है, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो इसके जैसा नहीं इसका मतलब मिलता है। तो मतलब एंटोनिम हो गया एक तरह से, सॉरी एंटोनिम तो नहीं हुआ, मतलब डिफरेंट उसका मीनिंग है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले तो एफेक्टिव जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है निर्बल या दुर्बल, आप कह सकते हैं ना, दुर्बल, निर्बल या दुर्बल। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब भी यही है, और इनमें से कौन सबसे अलग है। तो जो अलग है वही आपका आंसर है। तो इसमें रिकेटी नाम से ही समझ में आ रहा है, रिकेट्स जो बीमारी होती है, तो वही रिकेटी हुआ, यानी सूखा रोगी जो हो जाता है, दुर्बल निर्बल हो जाता है। तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है डिटर, इसका मतलब होता है रोकना या फिर प्रतिरोध करना। इनफर्म, वियरी, इन दोनों का मतलब भी होता है वही दुर्बल निर्बल। तो इसमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब दुर्बल निर्बल नहीं है, तो वो है डिटर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 4408 विच इज़ डिविजिबल बाय 24 एंड 26। ये आपको याद होगा, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी सेम यही क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन, मतलब नंबर चेंज थे डिजिट लेकिन सेम यही क्वेश्चन था। तो ये तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा समाधान 3 का, उनके लिए काफ़ी इजी होगा इसे सॉल्व करना। तो इसका ऑप्शन जो है वो इनमें से नन ऑफ दीज है। इसे मैंने सॉल्व किया था और सबके आंसर पॉइंट्स में आ रहे थे, मतलब कोई भी डिविजिबल कम्प्लीटली नहीं है 24 या 26 से, इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। तो आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि आप डिवाइड करने लगते हो एक एक करके और लास्ट में पता चलता है इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लकी होते हैं जिनका कि ऑप्शन आपका ए होता है। इब्न बतूता मेंशन्ड हिज इंडियन ट्रेवलॉग इन द बुक डैश विच वॉज रिटन इन डैश। इसमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इब्न बतूता ने एक इंडियन ट्रेवलॉग लिखा था, यानी कि जो अपना यात्रा का वृतांत जिसे कह सकते हैं पूरा लिखा है अपने किताब में, जिसे ट्रेवलॉग बोलते हैं। तो उस ट्रेवलॉग का नाम क्या है, उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है किताबुल हिंद या किताबुल रहला या किताबुल वज़ैफ या किताबुल वाही, और किस लैंग्वेज में लिखी हुई है वो भी बताना है आपको, सही आंसर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि इब्न बतूता थे कौन, वो किस कंट्री के थे, इससे भी काफ़ी आप तुक्का लगा सकते थे कि वो जिस कंट्री के थे ना, तो उससे भी आप ऑप्शन में लगा सकते हैं कि किस लैंग्वेज उनको वो बोला करते थे, तो किस लैंग्वेज में वो लिख सकते हैं। तो इब्न बतूता जो थे वो एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, मोरक्को से वो आए थे जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, और ये इंडिया आए थे 1334 में। किसके टाइम में? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, यानी कि तुगलक डायनेस्टी के टाइम में इंडिया आए थे ये, और 8 ईयर्स ये दिल्ली में रहे थे, 8 ईयर्स। और इनका पोस्ट था, एक पोस्ट था इनका काजी का, काजी का मतलब कह सकते हैं जज का जो पोस्ट होता है ना, उसी को काजी बोला बोला जाता है पर्शियन या अरबिक में। तो
ये काजी के पोस्ट पे थे। ये काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे, इन्हें नॉलेज हासिल करने की थर्स्ट थी, यानी प्यास थी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे ये जानना है, तो उस तरह का इनका कुछ माइंड सेट था। और ये पूरे वर्ल्ड लगभग 40 ईयर्स वे ट्रैवल किए थे पूरे वर्ल्ड ये, और हर पूरे वर्ल्ड में घूम कर ये हर तरह की नॉलेज ही इकट्ठा ये करते थे। और इनका काफ़ी योगदान रहा है इस्लामिक नॉलेज जो होता है लॉ वगैरह में, इनका काफ़ी योगदान रहा है। ये लॉ ही इनका था, इसलिए तो ये काजी थे। और इंडिया से इनके बाद में तुगलक डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद ये चाइना चले गए थे। तो इनका किताब कौन सा था, तो किताबुल रहला, और रहला जिसे फेमस किताब है, रहला सिर्फ कहा जाता है, रहला भी कहा जाता है, और ये अरबिक में। इतना लंबा चौड़ा स्टोरी बताने का मेरा बस एक ही मकसद था कि आपको इब्न बतूता से रिलेटेड जो आया है क्वेश्चन, ये आपको और उसकी पता चल जाए, और उससे रिलेटेड जो भी बातें वो भी पता चल जाए। नहीं तो मैं डायरेक्टली भी आंसर बता सकती थी, पर मैंने नहीं बताया क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन है, ये माइंड में बैठना बहुत ज़रूरी है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस हैज़ एन एरर, इनमें से कौन सा सेंटेंस है, मतलब नंबर, जो कि गलत है, कौन सा पार्ट इसका गलत है। तो आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज़ नाउ ऑन द लैप ऑफ गॉड्स, इनमें से क्या गलती है। आई हैव डन, हैव के साथ वर्ब 3 लगाया, ये भी सही है। द होल थिंग इज़ नाउ ऑन द लैप ऑफ द गॉड्स, गॉड्स भी आई थिंक सही है। यहाँ पे ऑन द लैप ऑफ गॉड्स नहीं होता है, इन द लैप होता है, यानी कि भगवान की गोद में, इन द लैप ऑफ होता है, भगवान की गोद पर नहीं बोलते हम लोग। तो इसका पार्ट कौन सा गलत हुआ, पार्ट 3 यानी ऑप्शन सी, यही रॉन्ग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन, इसमें एरिया बताना था। तो इसमें क्या बताना है, वर्टिसेस दिया हुआ है ट्रायंगल का, यानी कि ये एक ट्रायंगल है मान लीजिए, इनके साइड्स हैं ए बी और सी, और इसका पहला साइड है वर्टिस जो है वर्टेक्स उस ये है ये 120, सेकेंड है 114 और थर्ड है 72। तो इसका एक फार्मूला है, वो मैं फार्मूला बता दूंगी, उस फार्मूला को आप सॉल्व कर दिएगा खुद अपने कॉपी पे, और इसका आंसर पता लगेगा कि क्या है। तो मैं सिर्फ वो फार्मूला बता दे रही हूँ, और इस इन्हें क्या कहा जाता है नाम नेमिंग कर दे रही हूँ। तो वन को हम एक्स वन बोलेंगे, और सेकेंड वाले नंबर को वाई वन, जो बी है इसमें वन को हम बोलेंगे एक्स टू, और 14 क्या हो जाएगा वाई टू, 7 हो जाएगा हमारा एक्स थ्री, और 2 हो जाएगा वाई थ्री। तो ये हो गया वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, और इनका नेमिंग मैंने कर दिया। अब इसका जो फार्मूला है वो आप कहीं लिख लें कॉपी में, वो मैं लिख देती हूँ, और उसे आप सॉल्व करें खुद से। एरिया को हम एस बी एस से डिनोट करते हैं। तो चलिए फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला है हाफ इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया है यहाँ, ओके, फिर है एक्स टू वाई थ्री, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट क्लोज फिर से हुआ है, खुला है, माइनस वन वाई वन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये है आपका फॉर्मूला। इसे आप अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए, और आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है आंसर। तो मुझे पता है, पर मैं आपका आंसर नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं, और सॉल्व करके क्या आंसर आपने लाया है। तो आप इसे देख लें, आप गूगल पे भी देखेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें भी वही इससे पहले हम लोगों ने दो क्वेश्चन ऐसे बना दिए हैं ऑलरेडी, कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो नहीं बन सकता है, सुपर फ्लॉज इनमें से कौन सा नहीं बन सकता है। तो इसका ऑप्शन आप देख लें कौन सा नहीं बन सकता है। तो इसका ऑप्शन सरप्लस, परसोल, रिफॉल्स, परपस। तो यहाँ पे पर्पस में आप यहाँ देखिए,
पी पी दो बार यूज़ किया गया है, इसलिए यही नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें डबल टाइम दो बार पी तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन से है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ए जो है वो वॉक करता है और वो सबसे पहले, मान लीजिए कि एक मिनट, ए जो है वो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता है और वो पश्चिम की तरफ मुड़ता है। पश्चिम, ये डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, आपके राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। तो वो सबसे पहले एक पॉइंट जो है वहाँ से स्टार्ट करता है और वहाँ से वो 38 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है। पश्चिम आपका ये पॉइंट हो गया और इससे वेस्ट की तरफ ये चल रहा है 38 मीटर। फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं यानी इसके इस साइड में आएगा और बाएं मुड़कर वो कितना चलता है, 31 मीटर। उसके बाद वो फिर से बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ेगा वो इधर और 38 मीटर चलता है, यानी वापस बिल्कुल जहाँ से वो स्टार्ट किया था उसी के सीध में पहुँच जाता है। और फिर यहाँ पे आने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है और 33 मीटर चलता है। तो वो अपने मूल स्थान से कितना दूर है, तो यहाँ देखिए वो यहाँ पहुँच चुका है अभी, तो यहाँ से यहाँ तक वो चला तो कितनी दूरी, 31 यहाँ पे, तो ये भी 31 हो जाएगी, यानी 31 और ये 33, ये जो टोटल दूरी है यही इसके आंसर है। 31 और 33 कितना हो गया, 64, यानी टोटल वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 64 मीटर दूर है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है और मुझे इसका समझ नहीं आया है क्या है लॉजिक। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, टॉक्सिकल और पॉल्यूशन दोनों का बताएं इफ़ पॉसिबल। या इंग्लिश में टॉक्सिकल का दिया हुआ है और हिंदी में पॉल्यूशन का। इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट करना चाहिए था फ्रेंड्स, जिन्होंने भी किया होगा उन्हें नंबर्स ज़रूर मिले होंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जिन्होंने भेजा है ये क्वेश्चन वे पूरा कंप्लीट नहीं देख पाए क्वेश्चन, उनसे पहले उनका टाइम आउट हो चुका था। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताना कि इनमें से तीन स्टेटमेंट उनके बारे में दिए हुए हैं तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये बताया है। तो सबसे पहला लाइन जो है कि बॉर्न इन, कि उनका जन्म जो है वो शाहजहांपुर एमपी में हुआ था, तो ये बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है। उनका जन्म यूपी में हुआ था, यूपी के शाहजहांपुर में हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो ही गया। नेक्स्ट है कि फॉर्म्ड हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हाँ तो ये बिल्कुल सही है, वे वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स में से थे और इनकी स्थापना की गई थी कानपुर में 1924 में। और राम प्रसाद बिस्मिल एक ब्राह्मण परिवार से थे और इनके मेंबर्स में और भी कौन कौन थे, योगेश चंद चैटर्जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे और सचिंद्रनाथ सान्याल थे। तो चार लोग टोटल थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में। और तो हाँ ये सही है, सेकेंड सेंटेंस सही है। ही वॉज अ पार्ट ऑफ मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1918, वे मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे 1918 में। हाँ तो ये भी सही है, मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी में क्या था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बुक प्रेस्क्राइब नहीं थे और उसी को उस टाइम के यंग जो थे लोग, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वे उसे बेच रहे थे। तो एक तरह से उस षड्यंत्र माना गया और इसका वो पार्ट थे, तो सही है। तो यानी टू और थ्री आपका सही है। देखते हैं कि ऑप्शन में क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन सी है यानी कि बिल्कुल सही है। और इनके बारे में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ कि राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इन्हें गोरखपुर जेल में रखा गया था, यूपी के गोरखपुर जेल में। और इन्होंने जेल में रहते हुए जो सॉन्ग है मेरे रंग दे बसंती चोला, जो सॉन्ग है उससे लिखा था। और ये मेनली वो स्प्रिंग सीजन पे उन्होंने लिखा था, वसंत के मौसम को लेकर। और इन्हें
फिर 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितना क्वेश्चन मुझसे हो पाया उतना मैंने आपको बताया है, और जो क्वेश्चन नहीं बताया है उसका मैं आंसर आपसे कमेंट में चाहती हूँ। एक तो मैथ्स का क्वेश्चन और दूसरा रीजनिंग का, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी इसलिए उसे मैंने सॉल्व भी नहीं किया, और आपको उसका आंसर बताना है, क्वेश्चन भी रॉन्ग था उसका। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाए, ताकि उन्हें स्वावलंबन के एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, और आगे मेधावी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें हेल्पफुल हो, उन्हें पैटर्न समझ में आए एग्ज़ाम का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।